आप सभी ने ये तो सुना ही होगा कि जापान के लोग बड़े मेहनती होते हैं। आदमी ही नहीं, यहाँ की औरतें भी तरक्की की राह में आदमियों से पीछे नहीं हैं। ऐसी ही एक महिला थी जंको ताबेई, महिला सशक्तिकरण का प्राइम एग्जांपल, जिन्होंने दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत के अतिरिक्त सातों महाद्वीपों के सबसे ऊंचे पर्वतों में अपने देश का झंडा लहराया है। पर्वतारोही होने के साथ साथ ये एक लेखिका भी थी जिन्होंने 7 किताबें लिखी हैं। इन्हीं के नाम पर एक खगोल विज्ञानी यानी एस्ट्रोनॉमर ने एक एस्ट्रॉइड का नाम भी रखा है, और इनके साहस और दृढ़ निश्चय को देखकर इनके सम्मान में प्लूटो के एक पर्वत श्रृंखला का नाम जंको मोंटिस रखा गया है। तो जिस बच्ची को बचपन में कमजोर और बड़े होने पर यह दिखाया गया कि ऊंचे पर्वत चढ़ने जैसे साहसिक काम के लिए औरतें नहीं बनी, उन्हें सिर्फ रसोई में खाना और बच्चे को पालना पोसना है, उसने अपने हुनर, जुनून और साहस के बलबूते सबको गलत साबित किया और बन गई विश्व की प्रथम महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर अपने कदम रखे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।